पहचाना कि नहीं, हम हैं इमली देवी। यहाँ आजादगंज में सिर्फ हमरा राज चलता है और यहाँ के सारे लोग हमारे बंधुआ हैं। हम हैं चकोर, इस गांव की बेटी, और हमारे रहते यहाँ कोई किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं कर सकता। एक तरफ इमली का राज, दूसरी तरफ चकोर की आवाज। कलस की सीरियल उड़ान में 5 साल के बाद बदला बदला है सारा नजारा, और सबसे ज्यादा तो बदल गया है इमली का अंदाज। और इमली का ये नया लुक आपको दिला देगा फिल्म रामलीला की लीला की याद। दिस इज कम्प्लीटली अर्दी लुक एंड टिपिकल वो ठकुरायन महारानी वाला है, बट बहुत ही सोबर रखा गया है। एक शॉल दी गई है सो दैट इट गिव्स अ मंत्री फील, बिकॉज आई एम शोन अ मंत्री जी, सो आई होप। एंड माय नोज रिंग हैज कम, नाक की छोटी सी, छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए हैं, बाल क्रिम्प किए गए हैं, चेन दी गई है गोल्ड की विच इज लकीली वेरी लाइट, एंड देन दिस बिग बैंगल्स, काजल। इमली का मेकओवर हो गया यार, तो बहुत सुंदर लग रही है इमली। चकोर को पर्सनली बहुत शौक होता है, बट इमली जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही है। आज यहाँ फिल्माया जा रहा है लीप के बाद सीरियल उड़ान का पहला एपिसोड, जहाँ एक ओर इमली कर रही हैं हवन, तो वहीं दूसरी ओर देखा उनका निर्दयी रूप। यानी लीप के बाद इमली का लुक ही नहीं बल्कि उनका बर्ताव भी बदल गया है। It's like this is not Imli anymore. This is Imli Devi, and Imli Devi is a new character altogether. There is no similarity. उसका attitude, उसका रवैया, हर चीज़ को लेकर इतना बदल गया है that I think, I hope I'm able to make audience feel like that. भाई लीप के बाद आप भले ही बदल गई हो इमली, लेकिन आपकी बहन चकोर बिल्कुल नहीं बदली। आजादगंज के लोगों के लिए उनकी लड़ाई अब भी जारी है, और इसीलिए तो आज वो पहुंच गई हैं हवेली करने अपनी बहन इमली का सामना। लेकिन इमली तक पहुंचना चकोर के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि हवेली के बाहर उन्हें रोक लिया इमली के पहरेदारों ने। बहनों के बीच के रिश्ते में खट्टापन आ गया है, पर अब देखते हैं हम क्या सीन करते हैं और किस तरह से ये ट्रैक हम आगे लेकर जाते हैं। वी होप कि आप लोग ये एंजॉय करो और आपको मजा आए। मजा तो आएगा ही, क्योंकि अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई अब होगी दो बहनों यानी चकोर और इमली के बीच। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।